So the next topic जो डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं कि दैट इज ICW इंडियन कस्टम वाटर्स एंड आई हैव मार्क्ड इट एज अ स्टार बिकॉज़ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस देयर इज सम अमेंडमेंट आल्सो इन दिस. मैंने आपको कल बताया कि जो बेस लाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज 12 नॉटिकल माइल्स तक दैट इज द TWI टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. और जो ICW है दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम वाटर्स. सो सी के अंदर फ्रॉम द बेस लाइन 200 नॉटिकल माइल्स तक ICW. अब हमने कहा सर ICW की क्या रेलेवेंस है उसके लिए आप हमें बताइए. ICW की सिर्फ एक ही रेलेवेंस है दैट द कस्टम ऑफिसर कैन एक्सरसाइज जो इंडिया के कस्टम ऑफिसर हैं दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स ऑल द पावर्स इन द ICW. ठीक है अगर कोई शिप 50 नॉटिकल माइल्स के ऊपर है तो इंडिया का कस्टम ऑफिसर जाकर उस शिप को भी सर्च कर सकता है. ठीक है उनके भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है उनको भी असेस कर सकता है उस पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है. इज हैविंग ऑल द राइट्स लेकिन वो जो उसके पावर्स है वो कहां तक है ICW के अंदर है. ICW पहले कुछ कम नॉटिकल माइल्स आई विल नॉट टेल यू सो दैट आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो कि पहले कितना था और अब कितना हो गया. अब ये 200 नॉटिकल माइल्स इसी को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ना इट वॉज रेफर्ड इन सर्विस टैक्स. जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स लगते थे. सर्विस टैक्स की रेफरेंस के अंदर उन्होंने कहा था कि इंडिया की डेफिनेशन ईईजेड मतलब अगर कोई शिप यहां पर खराब हो जाता था ठीक है सी के अंदर 50 नॉटिकल माइल्स तो वो कहते थे कि जी लेट से वो यूएस का शिप था यूएस से थोड़ी ना टेक्नीशियन मंगवाएंगे. उन्होंने कहा इंडिया सबसे पास है इंडिया से बुलाओ. ठीक है टेक्नीशियन आया उसने शिप ठीक कर दिया 5 लाख रुपए का बिल दिया तो इंडिया वाले उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा. क्यों द सर्विसेज वर प्रोवाइड इन द ईईजेड. तो अब जब ICW को अमेंड किया तो उन्होंने क्या कहा कि ICW विल एक्सटेंड अप टू ईईजेड दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो पहले ICW की कवरेज कम थी अब फिर जब उन्होंने कहा कि ईईजेड तक ICW माना जाएगा तो फिर तब से ये 200 नॉटिकल माइल्स तक ICW. ईईजेड 200 नॉटिकल माइल्स तक था. अब इन्होंने जब अमेंड किया तो इन्होंने कहा क्या कहा कि ICW भी ईईजेड तक हो EZ तक होगा मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक इसे कवर अप किया जाएगा. ठीक है आपको एक और बात बताऊं देखिए इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड किसी भी शिप को इंडिया के कस्टम ऑफिसर्स टच नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो पावर है वो सिर्फ 200 नॉटिकल अभी गुड. एक और बात Once I was watching some episode on the Discovery, ठीक है और वो फिशिंग और इसी सब के ऊपर था और उसमें जो फिशरमैन थे they were कि ये प्रोहिबिटेड एरिया ठीक है हम आजकल अपनी लाइफ जॉन्सी वाटर के अंदर जॉन्सी सी लाइफ हो गया जॉन्सी भी फिशेज होती हैं और जो स्पीशीज होती हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं क्योंकि आजकल हम इतना ज्यादा गंद मचा रहे हैं प्लास्टिक और सब कुछ हो गया सो वो प्रिजर्व करना चाह रहे हैं. सो देयर आर प्रोहिबिटेड एरियाज इन व्हिच द फिशरमैन कैनॉट कम एंड कैनॉट डू द फिशिंग. स्टिल जो कोस्टल अथॉरिटी थी जो पोर्ट अथॉरिटीज थी उन्होंने कहा कि फिर भी फिशरमैन हटते नहीं है यहाँ पर आ जाते सो दे वर ऑन द पेट्रोल और उन्होंने देखा कि कोई फिशरमैन वहां पे फिशिंग और वो जाल वगैरह डाल रहा था तो उन्होंने हॉर्न बजाया और वो उसको उसके पास गए और वो भाग. और जैसे ही वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर पहुंच गया लिटरली उसके बाद उसने भागना बंद कर दिया उसने अपनी शिप वहां पे पार्क की एंड ही सॉ इट आइज टू द ऑफिसर. नाउ यू कैन नॉट डू इट और ऑफिसर भी वहां पे खड़ा उसको देख कि अंदर आओगे तो पकड़ लूंगा अब तुम क्योंकि बाहर खड़े हो आई कैन नॉट डू इट अगेन फॉर द एनिमी पर्पस ठीक है नॉट फॉर दिस. सो नेवी विल नॉट इंटरवीन ठीक है अनलेस एंड अंटिल
कस्टम अथॉरिटी ने नेवी से हेल्प मांगी, देन दे वो पुलिस ऑफिसर से भी हेल्प ले सकते हैं, वो नेवी से भी ले सकते हैं, आर्मी से भी ले सकते हैं, जरूरत पड़े। जैसे इनकम टैक्स में आपने रेड मूवी में देखा, वो पुलिस ऑफिसर्स को बोलता है कि वहां पर कुछ हो सकता है, हमारी जान को खतरा है, तो यू हैव टू अकंपनी विद अस, वो साथ चलती है। यहाँ तक ठीक है। सो कस्टम ऑफिसर्स की जितनी भी पावर है सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसके बियॉन्ड स्ट्रिक्टली नहीं जा सकते, ठीक है, फॉर देयर ओन सेफ्टी, क्योंकि उनको पता है कि बाहर में गया तो फिर उन्होंने मेरे को गोली मार देनी, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, ओपन सीज के अंदर अगर कोई क्राइम होगा so that is not very easily accountable in India, ठीक है, तो ऑफिसर को पता है कि इसके बाहर में को नहीं जाना, वहां पे मैं ऑफिसर नहीं। रीड कर पेपर के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ICW means a water extending up to into the sea up to the limit of EEZ, ठीक है, कहीं पे लिखा ही नहीं इन्होंने 200 नॉटिकल माइल्स, इन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि इट इज एक्सटेंडिंग अप टू EEZ, और EEZ मैंने आपको बताया कहां तक फैला हुआ है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, नॉट फ्रॉम द TWI, ठीक है, आप ये मत सोचना कि 212 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स है जिसमें TWI भी है। ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स सेक्शन 7 ऑफ, ये अलग ही एक्ट है, यहां पे टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 के सेक्शन 7 में बताया गया है कि EEZ कहां तक है, एंड इन क्लूज, और वो कहता है कि अगर 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में अगर कोई बे, गल्फ, हार्बर, ग्रीक रिवर, कोई झरना, कोई टापू, कुछ भी आता है, सब कुछ इंडिया, सो दे कैन गो एनीवेयर अप टू 200 नॉटिकल, सो सिर्फ समुद्र नहीं, समुद्र के बीच में जो भी 200 नॉटिकल माइल्स तक आएगा, एवरीथिंग इज कवर्ड, तो कस्टम ऑफिसर नहीं देगा।